हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, ट्यूसडे को है मेरा पहला टेस्ट और आज है मंडे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है कि पता नहीं क्या आएगा, क्या फॉर्मेट होगा, इजी होगा, मुश्किल होगा, होगा क्या। सुबह मेरी क्लास थी 9 से 10:30 और वो लेके, तो अब मैं घर आई थी, अपना चीज़ें वगैरह ली मैंने, बुक्स ली सारी, और अब मैं जा रही हूँ दोबारा कॉलेज में पढ़ने के लिए। एक बिल्डिंग है जे बिल्डिंग, गैस वो इतनी अच्छी है, वहाँ पे ना सारे पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली वो इसीलिए बनाई गई है। तो वहाँ पे स्टारबक्स है और भी बड़ी चीज़ें हैं, तो मैंने वहाँ जा कर पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ाई से ज़्यादा ना उधर जा कर बैठ के पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, थोड़ा सा वो टूर दूँगी। बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है वो बिल्डिंग। तभी बस मैं जा रही हूँ कॉलेज। मेरे ब्लॉग्स पढ़ाई ब्लॉग बन गए हैं यार, अभी मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, कुछ चैलेंजेस भी करेंगे हम। वीकेंड पे मैंने फारिग होना है, अब ये भी व्लॉग 2 डेज बाद आएगा। जब तक, अब तक तो मेरा टेस्ट भी हो गया होगा, जब मैं एडिट कर रही होंगी पता नहीं क्या होंगे मेरे, कैसा मामला का टेस्ट। बस अब बस आने लगी है और अब हम जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे ना जो वहाँ पे बिल्डिंग है ना वो उधर मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है मैं जाऊँ जे बिल्डिंग में, जो मैंने आप लोगों को बताया था। वहाँ पे मैंने पूरे वीकेंड सोचा है कि मैंने वहाँ पे बैठ के टेस्ट की तैयारी करनी है। तो अब हम चलते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को रास्ते भी दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत कॉलेज का टूर भी करवा देती हूँ। ये जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, अब आप लोग देख रहे हैं जे, तो अब हमने इस साइड पे जाना है, तब हम चलते हैं। ओ गाइस ये देखिए, ये ग्रीन हाउस है और पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर पढ़ाई की है 9th-10th में, और अब यहाँ पे मुझे ग्रीन हाउस नज़र आ गया। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरी बात समझ आ ही रही होगी कि ग्रीन हाउस ना कॉलेज की रेजिडेंस है, मतलब जो कॉलेज के अंदर अगर आपने रहना है तो हॉस्टल में, तो ये है। ये भी अच्छी ऑप्शन है अगर रहना हो तो, मे बी इन फ्यूचर मैं यहाँ पे आऊँ, अभी कुछ पता नहीं है लेकिन देखें। फिर ये कॉलेज के अंदर स्टारबक्स जो है वो भी है, मैं ऊपर जाऊँगी क्योंकि मुझे ऊपर बैठना। ये देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना एक प्रॉपर एक स्टडी टेबल होता है और वहाँ पे ओएसिस है, तो इसका कितना अच्छा व्यू है। अगर नीचे मैंने कॉफ़ी वगैरह लेनी है तो मैं वो भी लेके जा सकती हूँ, और बाकी अब मैं अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरा कल टेस्ट है बायो का। और यहाँ पे इस तरह सारे पाकिस्तान की याद दिला रहा है। कॉफ़ी थोड़ी सी कड़वी है लेकिन मैंने अब शुगर ले ली है। अब मैंने जगह चेंज कर ली है क्योंकि मेरे से बार बार ऊपर नहीं जाया जा रहा, और यहाँ पे मैं फिर आ गई हूँ। कोई तो दिन आएगा कि मैं भी यहाँ पे खेलूँगी। खैर अब मैं जा रही हूँ घर, शाम होने से पहले शुक्र है मेरे टेस्ट की तैयारी हो गई है। अब मैं जाती हूँ घर, बस भी ये भी सही है। स्ट्रे किड्स, मुझे भी स्ट्रे किड्स बहुत पसंद है। खैर वैसे मैं ये सोच रही थी कि कसम से बच्चे इतने ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन करके कि किसी ने गंद नहीं मचाया, क्योंकि पता ज़्यादातर तो जब ऐसे कोई इवेंट होता है तो कितना गंद मच जाता है। फिर जब हमारा फनफेयर होता था तब तो जी आफ्टर फनफेयर ये हालात नहीं होते थे, मेरे माइंड में तो यही था।
खैर मेरे पास अब दो ऑप्शंस हैं, या मैं सो जाऊं या फिर मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं। अब पहले मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने के लिए बनाऊं, तो अब देखते हैं कुछ कुकिंग करते हैं या नहीं। इतनी ज़्यादा ये क्या ड्राइंग्स बनाते रहते हैं, समझ नहीं आती इतना ज़्यादा। ये एक सड़क पर ये जो पेंटिंग कर देते हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही लगे हैं कि फ़िलहाल आज मैं यही बना लेती हूँ, फिर कल कुछ बनाने का सोचूंगी, क्योंकि मैंने कल भी ज़्यादा दिन कॉलेज में ही रहना है, तो मेरे पास वो बर्गर नगेट्स वो चीज़ें हैं, तो अभी मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा इजी ऑप्शन है। अब मैं जो थोड़ा खाना लेके अब आ गई हूँ, ठीक है ना, और बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने वैसे देखा हुआ। मेरे से आप लोग लाइट्स का पूछ रहे थे, ये मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, और इनका दराज के ऊपर या पाकिस्तान में आप मंगवा सकते हैं या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं मामा से कहूंगी कि वो मुझे कोई लिंक वगैरह दे दें, अगर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूं। पहले जो ना मैं जल्दी जल्दी बैग जो उसको पैक कर रही हूँ, ताकि ना एक दफा ये काम हो जाए फिर मैं तसल्ली से तैयार हो जाऊँ दो मिनट में। रोज इस टाइम जो होती है ना सुबह बारिश होती है, और अब मैं बस जल्दी जल्दी जा रही हूँ, सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, चाय भी मैंने सुबह ही पी थी, और अब देखते हैं बस मिलती है क्या होता है। कसम से बहुत टेंशन हो रही है, पहला टेस्ट है, मुझे कुछ इनके फॉर्मेट का नहीं पता, मुझे बहुत टेंशन होती है। अब बस टेस्ट देके तो मैं पहले टिम हॉर्टन्स आ गई, और हम अगले बिल्डिंग जाए उधर भी जा रहे थे, क्योंकि बस मुझे इतनी ठंड लग रही है, मुझे चाय की बल्कि कॉफ़ी की, अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, उसकी शदीद ज़रूरत है। पता नहीं कि एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस क्यों नहीं होती हैं, इतना चल चल के दूसरे कैंपस में भी आना पड़ता जी। यार इट्स लाइक जी और हाँ, आई लाइक इट, हाँ इज़ लाइक अ बिट रूड, लाइक यू डोंट से हाँ टू योर एल्डर्स, लेकिन से हाँ टू योर फ्रेंड्स, बट इट्स लाइक जी। मुझे इतनी मुश्किल से कॉफ़ी पीने की आदत पड़ी कि मैं अचानक ऐसे नहीं कॉफ़ी पी सकती गई, मुझे मैं खुद स्टोरी भी मैंने लगाई इंस्टाग्राम पे कि मैं जी ये समझ नहीं आ रही मैं सन कैप नाम की चीज़ क्यों नहीं लाई। अब बस मैं दूसरी बिल्डिंग में जा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई करके आराम से घर जाऊंगी। यादें चेंज हो भी गई, आधे रेड हो गए और आधे ग्रीन ही है बस। मेरा 3 बजे की उठी हुई हूँ, और चल चल के मेरे टांगे थक गई हैं, चल चल के दिमाग लगा लगा कर, बस एक असाइनमेंट है वो आखिरी सबमिट करवा के तो घर जाना है। एक ख़त्म होती है अगली शुरू हो जाती है, अगली शुरू होती है पिछली ख़त्म हो जाती है। और मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि हमें उर्दू सिखाए, तो मैं उनको वही सिखा रही थी, और मैं स्लिप क्यों हो रही हूँ। नानी या नाना, मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो दिखा रही हूँ कार्लिना को और एलेनोर को अपने व्लॉग्स दिखा रही हूँ, समझ उनको कुछ नहीं आ रही, तो मैं ही बस ट्रांसलेट किए जा रही हूँ। मेरा काम तो हो गया, एलेनोर और कार्लिना अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम तो हो गया, और बस कॉलेज में भी कुछ बच्चे ऊपर ही पढ़े हैं, हम नीचे बैठे हुए हैं, और अभी कुछ ही लोग हैं बस। अब मैं घर आई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाऊँ जाके रेस्ट करूँ या क्या करूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे खाना जो है वो बना लेना चाहिए। शुक्र है ये मैंने कॉलेज में नहीं सबके सामने साफ कर दिया था, वरना मेरा मजाक बन जाना था। खाने में क्या बनाया, मैं मामा से कहा कि मैंने गोभी बनानी है, मामा कहती नहीं तुम पता नहीं कब गोभी लेकर आई थी, वो तुमने अब बना दी है। अब देखें वो फ्रिज में वैसे पड़ी हुई है, मैं मामा को पिक्चर भेजती हूँ, तो मैं फिर चिकन बना लेती हूँ, चिकन कढ़ाई टाइप कुछ, कढ़ाई तो नहीं खैर बनती मेरे से, लेकिन जो भी बनता है बस चिकन का कुछ बनाते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सारी रात नहीं सोई। अरे अभी 7 बजे हैं, सूरज भी नहीं निकला, तो मैं इतनी जल्दी क्यों तैयार होकर नीचे आ गई हूँ। अभी बस मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी अपने लिए आज लंच, और नाश्ता करके जाऊँगी
चाहे कॉलेज से ही कॉफ़ी ले लूँगी। मैंने आज शुक्र है लंच मैंने बना लिया। मुझे हर वक्त यही होता है कि यार मैं पैसे लगाती हूँ, चीज़ें लाती हूँ, लंच तो एटलीस्ट बनाऊँ ना बस जल्दी जल्दी। अच्छा अगर तो हम टेस्ट के वाले से बात करें तो टेस्ट जो था ना वैसे था कि क्वेश्चन पेपर्स पे ही हुआ, जैसे मतलब कि पाकिस्तान में होता था। ये सबसे एक अच्छी बात थी कि एमसीक्यूज थे, फिर डायग्राम्स थी, उनको लेबल करना था। एमसीक्यूज मेरे अच्छे हो गए थे, एक डायग्राम मेरे माइंड में नहीं थी कि वो आएगी तो वो आ गई थी, तो वो मैंने जब टेस्ट कर लिया ना और मैं इधर उधर देख रही, जो मेरे साथ 7 बच्चे बैठे थे वो भी चुप करके बैठे हुए, 50 एमसीक्यूज थे और मेरे साथ वाले बच्चे ने 3 एमसीक्यूज करके जो है ना टेस्ट हैंड ओवर कर दिया। तो ये भी मुझे काफी एक अजीब बात लगी, कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस ही नहीं थी, मोबाइल साथ था, लैपटॉप साथ था, बैग साथ पड़ा था, शायद पहला टेस्ट था इस वजह से वो इतने लीनियंट थे। और फिर मतलब इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, प्रोफेसर अपनी चेकिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे था, मतलब जैसे होता था ना। और बबल शीट थी तो वो उन्होंने कहा कि आपने पेंसिल से फिल करनी है, पेपर से नहीं। बाकी मैं फिर कॉलेज जा रही हूँ, आज मेरी ज्यादा लंबी क्लास है, आज 4 बजे तक मेरी क्लास ही है, तो फिर मैंने बस वो अटेंड करके घर आ जाना है। और फिर फ्राइडे है और फिर आगे थर्सडे है, फ्राइडे फिर सैटरडे और फिर शुक्र वीकेंड है। तो फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे पता है व्लॉग लेट आया था क्योंकि गाइस मेरे टेस्ट थे। अब शुक्र आ गया ना मेरा 1 वीक फ्री आ रहा है क्योंकि कॉलेज वालों के मिड टर्म में मेरा टेस्ट हो गया, तो मेरा टाइम बिल्कुल फ्री है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, 5 से 6 छुट्टियां हैं मुझे, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई हाय मेरा जूता मेरी बस से निकल जानी है। ओके बाद में ठीक करूंगी, भागो भागो।